अस्सलाम वालेकुम, यूटी न्यूज के साथ मैं हूं हमजा जेब। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्ला जहरी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ममनून हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी, अब बचे कुचे दहशतगर्द सरहद पार से पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर तमीर किया जा रहा है। मलेशियन बहरिया चीफ का दौरा नेवल हेडक्वार्टर, एडमिरल अब्बासी से मुलाकात, खिते में अमन ईमान पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ चार रोजा दौरे पर रूस पहुंच गए। भारत ओछे हटकंडों से बाज न आया, एलओसी पर भारतीय फायरिंग से बच्चा शहीद, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दो फौजी मार डाले। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, बाज मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली की कीमत 2.97 रुपए यूनिट कमी का इम्कान, नेपरा 22 फरवरी को समाप्त करेगी। मरूफ अदाकारा तमन्ना बेग की छठी बरसी, तमन्ना 20 फरवरी 2012 में इंतकाल कर गई थी, याद मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए यूटी न्यूज।